Yo, hello everyone, and welcome back to my new blog. Let's go, guys. आज हमारा submission, assignment, और क्या हो सकता है? चलते यार, मैं भी सोचता मैं यार आपको daily कुछ ना तो कुछ नई चीजें दिखाऊं और कुछ ना तो कुछ नई चीजें बताऊं. लेकिन बात कहाँ पे आके फंसती है? इस पे, समझ रहे हो? तो मैं अपनी तरफ से पूरी ट्राई करूंगा आपको कुछ ना तो कुछ अच्छी चीज दिखाने के लिए. आज माइक आएगा, आज नहीं तो कब आएगा, देखते हैं. उससे पहले जाते हैं, असाइनमेंट वगैरह सबमिट करते हैं आज, और देखते हैं टीचर्स क्या बोलती है. आपको तो पता ही है, दो बैक लग चुका है उसका, तो टेंशन खतरनाक हो जाए भाई. उस चलते टाइम पास नहीं करते फालतू का. तो गाइस, मैं घर से निकला, मेरा साउंड सबमिशन सब कुछ हो गया. मैं घर से निकला, ईयरफोन लगाया और हेलमेट लगाया. सोचा कि ईयरफोन लगाऊं तो बहुत ही धीरे धीरे गाड़ी चलाऊंगा, कुछ नहीं. तब गाना लगता है यंग स्टनर्स का, टू टू. भाई साहब, बहुत कंट्रोल किया गाड़ी भगाने से, बहुत कंट्रोल किया. क्या बीट्स है उसमें. मेरे को ना एक रिएक्शन लेना है तिवारी से. तिवारी सुन, कौन सा लगाया? तिवारी का रिएक्शन लेते हैं, एक रिएक्शन वीडियो होगा मेरा. तो भाई बस कास्ट में लिया रहता है उस वीडियो के रिएक्शन. मेरे को तेज रिएक्शन देना है. एक गाना है, नॉइज के लिए इग्नोर करना. एक गाना है टू टोन का, यंग स्टनर्स का. देखा एक सेकंड, टू टोन. हाँ, कनेक्टेड दोनों. इसका रिएक्शन लेते हैं. दोनों लगाना. चलो रेडी, लेट्स गो. रिएक्शन एक नंबर है. कैसा है? खतरनाक है ना बीट एकदम. खतरनाक है एकदम. अब मैंने जितना एक्सपेक्ट किया था इसको उतना लगे, लेकिन मेरे को क्या बीट लगी थी भाई वो. एक नंबर मजाक नहीं. मैंने फर्स्ट टाइम इसका गाना सुना है. मैंने शायद से रील्स पे सुना था, एक एडिट जो होते हैं ना उस पर सुना था. माँ कसम, क्या गाना है इसका, यंग स्टनर्स का. गजब, एकदम खतरनाक गाना है भाई. लगाओ और मस्त एकदम गाड़ी पे फूंग, एकदम कंट्रोल करते रहो. बस ये कि कंट्रोल कर रहा था ना, भगाओ ना भगाओ, लेकिन हो ही गया, छूट गया भाई. क्या गाना, मजा एकदम. बीट्स और जैसा फ्लो में गाता है वो, खतरनाक भाई, खतरनाक. अभी चलने का फिर जाना भाई. चल चलते, लंबा वीडियो ना हो, ये ट्राई करता हूँ. और तुझे पता है क्या, मैं ये सोचता हूँ ना कि मैं व्यूअर्स को दिखाऊँ कैसा हर दिन. और मतलब मेरा ये चलता है कि मैं आपको कुछ अच्छा कंटेंट लेगा, एकदम अच्छा, जिससे आपको कुछ इंफॉर्मेटिव फील हो. मैं ये ट्राई रहता हूँ. हाँ, कुछ नहीं, चलते चल चल चलते अभी कॉलेज में. चलते देखो पसीने कितना आ रहा है. चलते खाने का मूड हुआ, हम आ गए. मम्मी ने बोला कि जाओ पनीर चिली ले गया, क्योंकि घर पे मतलब आज मूड था, तो आए हैं लेने पनीर चिली. और मेरा माइक आ गया, मैंने जो ऑर्डर किया था उसका मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, उसका डायरेक्टली अनबॉक्सिंग वाला ही वीडियो होगा. तो अभी जो यही ट्राई करूंगा कि माइक से रिकॉर्ड करना पब्लिक में, तो देखते हैं. ये भी काफ़ी ज़्यादा मेरे लिए एक टफ होगा, क्योंकि जब माइक यहाँ पर पड़ेगा तो लोगों की नज़रें मुझ पर जाएगी, समझ रहे हो, कि क्या कर रहा है, ब्लॉग्स कर रहा है. वैसे ही थोड़ा सा ये हो जाता है, मुझे थोड़ा सा पसीने आने लगते जब मैं पब्लिक में ब्लॉग्स करता हूँ. एक अच्छा चैलेंज अभी से शुरू होने वाला है, और देखते आगे क्या क्या होता है. वो चैलेंज काफ़ी मेरे लिए तो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होगा. फर्स्ट टाइम ऐसा करूँगा कि यहाँ पर माइक होगा और मैं कुछ बात कर रहा हूँ, मैं कुछ बोल रहा हूँ, ऐसा कुछ. अभी लेते हैं और चलते घर पर, फिर बाकी की चीज़ें करते हैं.
एक ब्लॉग पेंडिंग है उसका एडिटिंग करता हूँ मैं। आज के ब्लॉग में बस इतना ही, काफ़ी ज़्यादा एग्जॉस्ट हो चुका हूँ, ज़्यादा कुछ किया नहीं। वो जो रिएक्शन था जो मैंने एक्सपेक्टेशंस रखे थे कि हर्ष ऐसा रिएक्शन देगा, लेकिन वैसे नहीं दिया, क्योंकि उसे गाना अच्छा लगा लेकिन वो वैसे रिएक्शन नहीं दे पाया, क्योंकि एज अ रिएक्शन वाला कैमरा उसके फेस पे पहली बार गया तो थोड़ा सा समझ रहे हो। सो गाना तो मुझे काफ़ी ज़्यादा खतरनाक लगा, वो एक हाइप आ जाती है ऐसे जो मोटिवेशन लेती ना जिम मोटिवेशन गाना, वैसा वो ख़तरनाक हाइप दे देती है। हनी सिंह के पुराने गाने, नई नई रफ्तार के गाने, कृष्णा के गाने, क्या खतरनाक है भाई। और उसमें एक गाना ये भी ऐड किया मैंने। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक मिलते हैं नेक्स्ट अनबॉक्सिंग ब्लॉग में, तब तक के लिए हम जाते हैं और आप सभी भी अच्छे से रहिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय, टाटा, सी यू, बाय।